नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग कीपिंग इट सिंपल पे मैं हूं कृदार्थ मिलकानी और आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज का पार्ट टू करेंगे डिस्कस तो देखिए कल के एक वीडियो में मैंने पार्ट वन अपलोड किया था जिसमें मैंने पिछले साल पूछे गए हिस्ट्री के एमसीक्यूज करे थे ट्वेंटी एमसी्यूज हम कर चुके हैं इस वीडियो में हम ट्वेंटी फाइव एमसीक्यूज करेंगे और इस तरह हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपके ऑप्शन होते हैं वो सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं सीबीएसई के उनमें आपके इन टोटल फोर्टी फाइव एमसीक्यूज हैं उसके बाद अगले पार्ट में हम फिलन पिक्चर आइडेंटिफिकेशन ये सब चीजें भी करेंगे तो अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर न आप सभी की स्क्रीन पर तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपल चार स्टेटमेंट दी गई हैं रिगार्डिंग द ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट जो एंशियंट पीरियड में हमारा ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट था उसके विषय में आपको चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है कि जो बुद्धा एंड बौद्धि सत्तास की इमेजेस थी वो डिस्कवर की गई थी बेस्ड ऑन द ग्रीक मॉडल्स ग्रीक मॉडल्स के बेस पर हमने उन्हें डिस्कवर किया था दूसरा है इमेजेस फॉर फाउंडन सिटीज लाइक तक एंड पेशावर और थर्ड आपसे कह रहा है कि इंडो ग्रीक रूलर्स रूल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया तो अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कोई भी ऐसा गलत स्टेटमेंट नहीं है और अगर मैं बात करूं एनसीआरटी बुक में आपको कहां पर मिलेगा क्वेश्चन ये आपको पेज नंबर वन में मिल जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सांची बाय अमरावती नॉट तो देखिए इस में सिंपली आपको बताना है कि मेन रीजन क्या रहा जिसके कारण सांची आज भी सर्वाइव कर रहा है और अमरावती नहीं कर पाया सबसे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है सांची वॉज प्रोटेक्टेड बाय एम्टर शाहजहां बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ट्राइड टू कंजर्व इट क्या ये सही है आप लोगों को बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करूं तो 1784 में थोड़ा रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा Uh, तो 1784 में इसे फाउंड किया गया और विलियम जोन्स ने इसे फाउंड किया था तो ध्यान रखिएगा इस बात को चैप्टर नाइन में आपका ये दिया हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्या काम था और इसके फाउंडर कौन थे 1784 में फाउंड की गई थी सी uh, ऑप्शन है डेडिकेटेड हिज ऑन सांची या डी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ प्रिजर्वेशन एट साइट आफ्टर द फॉल ऑफ अमरावती तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तो देखिए जितने भी स्कॉलर्स थे अमरावती के टाइम पर वो इतने अवेयर नहीं थे कि यार इसके क्या क्या बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं बट बाद जब बात तो तो जितने भी scholars थे, जितने भी भी थे, थे, लोगों ने बात समझ ली कि अगर हमने इसे preserve नहीं किया, तो इसे जो culture है, है, बहुत loss होने वाला इसीलिए उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा पर अमरावती के टाइम पर वो लोग इतने अवेयर नहीं थे इसलिए अमरावती नहीं बच पाए और सांची बचा रहा क्वेश्चन नंबर थ्री है टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री Uh, तो देखिए चैप्टर फोर से आपका क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स पेज आप लोग देख सकते हो तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो चार ऑप्शंस में से दी हुई है वो गलत है uh, तो देखिए फर्स्ट आपसे ऑप्शन ए है स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राइड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन विद द कॉस्मिक वर्ल्ड बी है पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड रिबर्थ

बी है विरूपक्ष टेम्पल सी द हजारा राम टेम्पल या डी लोटस टेम्पल तो उसका सही आंसर आप लोगों को देना है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द हजारा राम टेम्पल तो ध्यान रखिएगा हजारा राम टेम्पल एक ऐसा मंदिर था जो केवल विजयनगर के शासक जितने भी डायनेस्टी के वहां पर रूलर्स थे और उनकी फैमिली से इस्तेमाल कर सकती थी आम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्वेश्चन नंबर फाइव है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स तो इसमें अगेन आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कल के वीडियो में बता चुका था फिर भी जो लोग ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं देखिए क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है पहले से बाद के ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना है मतलब जो इवेंट आपका पहले हुआ वो पहले आएगा और ऐसे ऐसे जाते हुए जो इवेंट लास्ट में हुआ वो लास्ट में आएगा तो देखिए आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आप लोगों को करेक्ट ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना है तो क्या ए है बी है सी है डी है मैं नहीं जानता आप लोगों को ही बताना है तो देखिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा इसका सही आंसर है डी सेकेंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड अब समझते हैं कैसे देखिए सबसे पहले आपका अवध में इम्पोज की गई सब्सिडरी अलायंस इन एटीन 1801 में इसे इंपोज किया गया सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेसली थे तब और उसके बाद आती है आपकी फोर्थ एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम सती सिस्टम आपका 1829 में जाके एबोलिश किया गया ये आप लोग डेट लर्न कर लीजिएगा ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम 1829 फिर आता है आपका फर्स्ट समरी से, रेवेन्यू सेटलमेंट इन अवध तो अवध में पहली जो एक तरह से समरी सेटलमेंट की बात कर तो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट ब्रिटिशर्स द्वारा मानी जाती है कि इंडिया में जितने भी आपके रैयत सेटलमेंट थे परमानेंट सेटलमेंट थे तो बाद में आए बट जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट थी वो समरी सेटलमेंट ही थी तो अवध में ये लगाई गई आपकी एटीन में एटीन में ये लगाई गई उसके बाद लास्ट में 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर आया आपका आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इसमें सिंपली यही था आप लोगों ने बुक में पढ़ा भी होगा कि मोहम्मद और महावीर के नाम पर आप लोगों को यूनिटी दिखाने के लिए इसमें कहा गया था तो ये 1857 में आया रिवोल्ट के टाइम पे कि हमें यूनाइटेड रहना है हिंदूज और मुस्लिम को बिल्कुल आपस में झगड़ा नहीं करना है तभी हम ब्रिटिशर्स से जीत पाएंगे तो उसका करेक्ट आंसर था डी सेकेंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज इज रॉन्गली मैच तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिंपली चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें आप लोगों को दिया गया कि जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे हमारी कंट्री में आए उन्होंने कहां कहां पर अपने बेस कहा अप किए लाइक पोर्टुगीज इन पंजी ब्रिटिश इन मद्रास फ्रेंच इन पॉंडीचेरी डच इन बॉम्बे तो अब आपको बताने की कौन सा इनकरेक्टली मैश्ड है मतलब कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो अपने बेस से मैच नहीं है मतलब कौन सी एक ऐसी कंपनी है जिसका यहां पर एक ऑप्शन में उसके जो बेस है वो गलत दिया हुआ है देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डच इन बॉम्बे तो ध्यान रखिएगा पोर्टुगीज पंजी में आए थे ब्रिटिश मद्रास में उन्होंने बेस सेट किया था फ्रेंच पुडुचेरी में आए थे पर डच ने अपना बेस मसूलीप्नम में सेट किया था बॉम्बे में सेट नहीं किया था इन्होंने अपना बेस तो इस बात का ध्यान रखिएगा इसलिए इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी क्योंकि डच मसूलीपट्टनम में आए थे तो इसका करेक्ट आंसर है डी और थ्री पेज में आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीस्ट किंग ऑफ हड़प्पा तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को चार स्टेटमेंट दी गई हैं प्रीस्ट किंग के रिगार्ड में जो हड़प्पा से हमें मिले तो आप लोगों को बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पहला पहला स्टेटमेंट है आपका प्रीस्ट किंग हेल्थ पॉलिटिकल पावर की उनके पास पॉलिटिकल पावर थी दूसरा ही वॉज रिलेटेड विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री क्या वो मेसोपोटामियन हिस्ट्री से रिलेटेड थे थर्ड ही वॉज रिलेटेड विद हड़प्पन रिलीजन फोर्थ अथॉरिटेरियन रूल कुड़ बी वन ऑफ़ ऑफ़ द द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा तो क्या उनका जो एक तरह से अथॉरिटेरियन रूल मतलब एक तरह से उनका जो बहुत ज्यादा पावर वाला रूल था वो एक रीजन रहा हड़प्पा के डिक्लाइन के लिए आप लोगों को उसका सही स्टेटमेंट बताना है तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो देखिए फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि हड़प्पा के डिक्लाइन का रीजन आज तक हमें नहीं पता पहला तो हम उसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए और उसके बाद भी कई सारे ऐसे रीजन हैं कि हम एक कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं मानते लाइक अर्थक्वेक भी आया तो पूरी सेटलमेंट इतनी बड़ी जो एक तरह से सिविलाइजेशन थी वो एक अर्थक्वेक से खत्म नहीं हो सकती फ्लड्स भी आए तो हर रीजन में फ्लड नहीं आ सकते तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनका जो अथॉरिटेरियन रूल था वो एक रीजन रहा जिसके कारण हड़प्पा डिक्लाइन हो गया और उसके अलावा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर सिक्सटीन में

कहते थे उनकी प्रजा तो पहला ऑप्शन है आपका अशोक कमीशन द एडिक्ट हिमसेल्फ तो क्या उन्होंने जो एडिक्ट, एडिक्ट, एडिक्ट जो उन्होंने थे रॉक माइनर जो हमें मिलते हैं उन्होंने खुद कमीशन किए थे बी ही द टाइटल ऑफ देवपुत्र क्या उन्होंने देवपुत्र का टाइटल टाइटल्ट किया था मेरे हिसाब से नहीं किया था क्योंकि देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि देवपुत्र का टाइटल कुशांस ने किया था एडोप्ट तो इन्होंने नहीं किया था तो एक ऑप्शन यहीं पर आपका एलिमिनेट हो गया सी हैव कंक्लूडेड हिम एज तो क्या एपिग्राफिस जो एक तरह से इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उन्होंने उन्हें देव नाम बुलाया है या डी ही डिड वेल बींग ऑफ सोसाइटी थ्रू धम क्या उन्होंने अपना धर्म पॉलिसी जो थी एक तरह से धर्म की पॉलिसी जैसे हम कहते हैं धर्म महामात्य भी उन्होंने अपॉइंट किए तो क्या उसके कारण जो उन्होंने सोसाइटी का वेल किया इसलिए जो उनकी प्रजाति उनको प्रियदर्शी कहती है तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है मेरे अकॉर्डिंग अब तक आप लोग समझ चुके होंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ही डिड वेल वेलबींग ऑफ सोसाइटी थ्रू धाम तो उन्होंने जो उनकी धम्म पॉलिसी थी धर्म पॉलिसी जिसे कहे रॉ का प्रयोग नहीं होता था जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो उसके कारण ही उन्हें देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी जो

तो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इब्न बतूता के लिए बिल्कुल सही है पहला है ही काजी 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 ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स क्या वो थे थे जज थे, काजी का मतलब जज होता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बी है ही हैड रिटन हिंद इन अरेबिक तो क्या उन्होंने किताब उल हिंद लिखी अरेबिक में सी ही ट्रांसलेटेड संस्कृत पाली एंड प्राकृत वर्क इन अरेबिक क्या उन्होंने संस्कृत पाली और प्राकृत जो हमारा इंडियन वर्क था उसे अरेबिक में ट्रांसलेट किया डी ही वॉज फिजिशियन फिलोफर एंड हिस्टोरी

क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वेस्टर्न थ्योरिस्ट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ ओरिएंटेड डेस्पोटिज्म इन एटीन सेंचुरी तो आप लोगों को बताना है कि चार ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से किस थियोरिस्ट ने जो एक तरह से फिलॉसफर आप लोग कह सकते हो उन्होंने ओरिएंटेड डेस्पोटिज्म जिसका मतलब होता है एक तरह से एक ऐसा सिस्टम जहां जो राजा है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब पूरा कंट्रोल उसके पास होता है पूरी पावर उसके पास होती है और वो अपनी प्रजा को बिल्कुल सप्रेस करके रखता है बिल्कुल प्रताड़ित करके रखता है और उनके पास मतलब जो प्रजा होती है उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है राजा ही सब कुछ होता है इस तरह का आइडिया किसने डेवलप किया इंडिया के प्रति कौन से वो वेस्टर्न थोरिस्ट थे उनका नाम आप लोगों को बताना है और एक और चीज में कहूँ तो ओरिएंटल जो शब्द है उसका मतलब होता है एशिया से रिलेटेड तो ओरिएटल

क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ विजनगर एंपायर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो विजयनगर एम्पायर था चैप्टर सेवन से है क्वेश्चन

कई बच्चे होंगे इस साल भी क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है उनका भी हो सकता है 99 नाइन आए हो पर ये क्वेश्चन उनका गलत हो गया और इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन को अपने दिमाग में लेके चलिए डेट्स ऐसी नहीं पूछी जाती आप लोग देख सकते हो डेट्स काफी कॉमन पूछे लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर कब एक तरह से उसकी खोज की गई 1336 में किया गया था इब्ने बतूता इंडिया कब आए तो ये आप प्रॉपर रिवीजन करते हो तो ये बहुत इजी चीजें हैं डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं ये है ऑप्शन सी तो सबसे पहले आपकी आई संगम डायनेस्टी ध्यान रखिएगा संगम डायनेस्टी आपकी फर्स्ट डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की फिर आई आपकी सलूफ डायनेस्टी फिर तुलूफ डायनेस्टी जिसके हमारे कृष्णदेव राय भी थे इनके टाइम पर जो विजयनगर एम्पायर था वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस हुआ आप लोग इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा इनके बेस पे क्वेश्चन भी आ सकता है तो मैंने यहाँ पर केडी राय लिख दिया तो तुलूफ डायनेस्टी थे क्रिश्... से थे कृष्णदेव राय फिर आती है आपकी सेकेंड अरावीडू तो लास्ट में आपकी जो डायनेस्टी थी वो थी अरावी तो इस तरह से फर्स्ट फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नॉरोट अबाउट आईने अकबरी तो आईने अकबरी अबुल फजल की बुक थी आप लोगों को बताने की कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है जो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं सबसे पहला इट वाज रिटन बाय अबुल फजल तो ये मैं बता ही चुका हूं क्वेश्चन में कि इन्होंने लिखी थी तो ये करेक्ट है बी इट वॉज अ गेजेट ऑफ द एम्पायर क्या वो एक तरह से गेजेटियर था एम्पायर का यानी न्यूज आप लोग एक तरह से कह सकते हो सी इट वॉज स्पॉन्सर्ड एंड कमीशन बाय अकबर क्या उसे अकबर ने स्पॉन्सर किया था उन्होंने एक तरह से कमीशन किया था अबुल फजल को किया लिखो इस बुक को डी एस डेटा वॉज यूनिफॉर्मली कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द प्रोवेंसेज या फिर उसका जो डेटा था अब आईने अकबरी का वो सभी प्रोविंसेज सभी प्रांतों से यूनिफॉर्मली कलेक्ट किया जाता था तो देखिए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपके ऑप्शन डी क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो आईने अकबरी है उसमें जो डेटा है अलग अलग प्रांतों से जो मुगल साम्राज्य के अलग अलग प्रांत थे अलग अलग जगहें थी वहां से डेटा यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया जाता था लाइक like आप जो मेजर सिटीज टाउन्स होंगी वहां आपका डेटा काफी ज्यादा अच्छे से मतलब कलेक्ट किया जाता वहां का डेटा अच्छा, अच्छा अवेलेबल होता था बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे मतलब जो दूर दूर के राज्य थे उनका डेटा इतना यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं होता था तो आप इसलिए जो डेटा कलेक्शन था वो यूनिफॉर्म नहीं था हर जगह समान नहीं होता था कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जहां हर किस्म का डेटा कलेक्ट किया जाता था और कुछ ऐसे थे जहां डेटा करेक्ट नहीं किया जाता था तो इसका करेक्ट आंसर है डी क्वेश्चन नंबर 14 हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड रिलीफ ऑफ लखनऊ तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताने है कि वो कौन पेंटर थे जिन्होंने रिलीफ ऑफ लखनऊ को पेंट किया ये आपका रिवल्स एंड राज से क्वेश्चन आप लोगों को दी गई है उसका ध्यान रखिएगा किसने पेंट की थी तो रिलीफ ऑफ लखनऊ उस पेंटिंग का नाम है रेबल्स एंड राज के पेज 308 में बनी हुई है आप लोगों को बताएं कि किसने वो पेंट की थी आपके ऑप्शंस हैं ए थॉमस जॉन्स बार्कर बी हेनरी हैव्लॉक क्या जोसेफ नोएल थे या डी कोलिन कैम्पबेल थे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस जॉन्स बारकर तो रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंट की थी थॉमस जॉन्स बारकर ने ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो रीजन दिया गया है वो जस्टिफाइड नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने अवध को एनेक्स किया इस रीजन के बेसिस पे 1857 पे ए है ऑप्शन वाजिद अली शाह अनपॉपुलर रूलर तो देखिए सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा अगेन क्लियर कर दूं आप लोगों को ऐसा रीजन था जो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हाँ हमने इस रीजन के बेसिस पे अवध को एनेक्स किया पर ऐसा नहीं था वो रीजन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने इस रीजन के बेसिस पे एनेक्स किया है, सिस्टम एट एस, सी मंगल पांडे द रिवर्ल्ट फ्रॉम अवध डी मटेरियल बेनिफिट्स वर गिवन टू तालुकदार्स बाय द ब्रिटिश तो देखिए अगेन एक चीज मैं अगेन आप लोगों से कहूंगा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार जो ये डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इनकरेक्ट लग रहे हैं तो ये इनकरेक्ट हैं कुछ कुछ लाइक मंगल पांडे ने अवध से रिवॉल्ट इनिशिएट नहीं किया था अलायंस भी वाजिद अली शाह ने ईज एट ईज एक्सेप्ट नहीं गई थी मजबूरी में उन्हें करनी पड़ी थी और तालुकदार बिल्कुल बर्बाद हो गए तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने तो देखिए पर यहां पर क्वेश्चन बात कर रहा है of की कि ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा रीजन दिया था अवध को एनेक्स करते समय जनता को कि हमने इस रीजन के बेसिस पे अवध को एनेक्स किया पर वो सही नहीं था तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाजिद अली शाह वॉज अनपॉपुलर रूलर ये इसीलिए ऑप्शन दिए गए ताकि आप लोग कंफ्यूज हो और गलत आंसर मार्क कर दें एंड आप लोग का आंसर गलत हो जाए तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और जब भी आप बुक पढ़ते हो एक तरह से देख लो क्योंकि ये आप लोगों को पेज 296 में क्लियरली मिल जाएगा कि वाजिद अली शाह को ब्रिटिशर्स ने कहा कि अनपॉपुलर रूलर है इसलिए हम इसे अपने अंडर ले लेते ले हैं अवध को बट ऐसा नहीं था जब इवन उन्हें एक्साइल दी गई कि अब आप के, उन्हें कैलकटा भेज दिया गया एक्साइल में अवध से निकाल दिया गया उन्हें तब लोग कई सारे लोग रोते रहे उनके पीछे जब वो जा रहे थे कई सारे लोगों ने दुख मनाया उस चीज का तो इसलिए काफी पॉपुलर रूलर थे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंसस कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इन नाइटीन सेंचुरी इन इंडिया तो तीन स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी हुई हैं रिगार्डिंग सेंसस जो ब्रिटिशर्स ने नाइनटीन सेंचुरी में इंडिया में कराया तो देखिए सेंसस की बात में तो सबसे पहले एटीन सेवेंटी टू में सेंसस हमारे कंट्री में कराया गया पर वो कुछ कारणों के वजह से वो पूरा नहीं हो पाया इसलिए जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हम कहते हैं जिसमें पूरा कंप्लीटली हर एक डेटा के साथ हर एक मतलब चीज के साथ हर एक क्राइटेरियन के साथ जो सेंसस कंप्लीट हुआ वो हमारा एटीन में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ 1872 में पहली बार स्टार्ट किया गया था बट वो पूरा नहीं हो पाया इसलिए फिर 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कराया गया तो देखिए ये थी सेंसस की बात अब हम आते हैं क्वेश्चन पे तो देखिए तीन स्टेटमेंट आपको दी गई हैं सेंसस के रिगार्ड में आप लोगों को बताना है कि कौन सी करेक्ट है

सेक्स मतलब जितनी पॉपुलेशन है डेंसिटी है ये सोशल डेटा जो है उसे हम इकोनॉमिक डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या ऐसा था आप लोगों को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है देखिए करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली सेंसस ऑपरेशन जो था सोशल डेटा को आप इकोनॉमिक डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ओनली करेक्ट यानी ऑप्शन ए पेज 321 में आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन 17 है ये शायद रिपीट क्वेश्चन है तो देखिए आप लोग आंसर दे दीजिए इसका अरेज द फॉलोइ डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये ऑलरेडीडीड करा चुका हूँ तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से देख लेते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे सी फर्स्ट फोर्थ थर्ड एंड सेकंड यानी सबसे पहले आपकी संगम डायनेस्टी आई फिर आपकी सलूट डायनेस्टी आई थर्ड तुलूव तुलूव में कृष्णदेव राय थे जिनके एम्पायर में काफी ज्यादा आ, जो विजयनगर एम्पायर था काफी ज्यादा कंसॉलिडेट हुआ काफी पावरफुल बना और सेकेंड लास्ट में आई आपकी अराविडू तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है पेज वन सेवेंटी थ्री में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड इन मेमोरियम तो देखिए दो क्वेश्चन पहले हमने बात की थी रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने पेंट करी जो थॉमस जोन्स बारकर ने करी थी अब आप लोगों को बताना है इन मेमोरियम किस पेंटर ने पेंट की ऑप्शंस आर ए थॉमस जोन्स बारकर बी हेनरी हेवलॉक सी जोसेफ नोएल या डी कोलिन कैंपल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ नोएल तो ध्यान रखिएगा रिलीफ ऑफ लखनऊ थॉमस जोन्स बारकर यानी जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए दिया है उन्होंने की थी और इन मेमोरियम की बात करूं तो इसे जॉसेफ नोएल पैटर्न ने किया था पेंट क्वेश्चन नंबर 19 है हु अमंग द फॉलोइंग मोबिलाइज्ड द विलेजेस ऑफ परगना बराउत इन उत्तर प्रदेश इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 so, dekhe, कर, तो देखिए मोबिलाइज की बात करो तो मोबिलाइज का मतलब होता है एक आर्मी ऑर्गेनाइज करना लोगों के मतलब ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करना लोगों को सेना बनाना एक ताकि 1857 का रिवॉल्ट लड़ा जा सके तो आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने फिफ्टी सेवन की क्रांति में रिवॉल्ट में आ, बराउत जो उत्तर प्रदेश में है वहां के जो विलेजेस थे परगना के वहां के लोगों को मोबिलाइज किया कि हमें एटीन फाइट करना है तो आपको बताना है क्या वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे या बी कुंवर सिंह थे सी शामल थे या डी हनम सिंह थे तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शामल शामल करौद से उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया था 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो दी गई तीन स्टेटमेंट है उनमें से करेक्ट है रिगार्डिंग द सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज ऑफ हड़प्पा सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी का मतलब कई लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं क्लियर कर दूं इसका सिंपल मतलब होता है हिंदी में हम इसे कहते हैं भरण पोषण की नीतियां मतलब वो खाते पीते क्या थे उसके रिलेटेड मतलब जो उनका खान पान था वगैरह वगैरह तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डायट्री प्रैक्टिस रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम फाइंड ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स जो सीड्स मिले ग्रेन्स मिले उन्हें खुदाई के वक्त उनसे उन्होंने उनकी डायट्री प्रैक्टिस की मतलब क्या खाते थे वो इन सब के बारे में रिकंस्ट्रक्ट करके पता लगाया जिन्होंने जो ग्रेन्स मिली हड़प्पा में लाइक मिलेट्स एंड बार्ले उनको स्टडी किया या थर्ड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेटेड अकॉर्डिंग टू आर्क्योबोटनिस्ट तो क्या आर्क्योबोटनिस्ट ने ऐसा कहा कि डोमेस्टिकेट किया जाता था एनिमल्स को हड़प्पा में तो उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली तो आर्क्योबोटनिस्ट ने ऐसा नहीं कहा कि एनिमल्स जो थे उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता था तो ये ऑप्शन आप लोग का गलत है उसके अलावा जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये सही है क्योंकि जो आर्क्योलॉजिस्ट थे उन्होंने डायट्री प्रैक्टिस को रिकंस्ट्रक्ट किया और आर्क्योबोटनिस्ट वो ग्रुप था आर्क्योलॉजिस्ट के अंडर जिन्होंने इसको स्टडी किया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इब्न बतूता फाउंड इंडियन सिटीज फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज तो इब्न बतूता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उन्होंने ये कहा था कि जो इंडिया के सिटीज हैं शहर हैं दे आर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि अगर आप लोगों के पास कुछ भी रिसोर्सेज हैं तो आप यहाँ बहुत ज्यादा कमा सकते हो बहुत ज्यादा आप अर्न कर सकते हो तो आप लोगों को बताने की ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण उन्होंने ये कहा कि इंडियन सिटीज जो है यहाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज्यादा मौके हैं पहला ऑप्शन है यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा थी बाजार्स एंड एफिशियंट कम्युनिकेशन यहाँ पर है बी क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड सी ऑटोनस एंड एक्वालिटेरियन विलेज कमांड या डी ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड गोल्ड एंड सिल्वर तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लार्ज पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री में बाजार्स एंड एफिशियंट कम्युनिकेशन था तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इन बतूता ने इंडिया की जो सिटीज है दे आर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इसको आप पेज वन में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन तो चार फिलोसफर्स uh, आप लोगों को दिए हुए हैं चार थियोरिस्ट आप लोगों को दिए हुए हैं। कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन किस थियोरिस्ट का एक आइडिया था जो उन्होंने डेवलप किया तो देखिए सबसे पहले हम एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इस चीज़ को समझ लेते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रोड़ इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत फिलोसफर फेमस फिलोसफर थे जिनका नाम आप लोगों को है नाम मैं भी नहीं बताऊंगा तो उन्होंने यह कहा कि इंडिया में कोलोनियलिज्म से पहले यानी जब ब्रिटिशर्स यूरोपियंस इंडिया में आए उससे पहले जो मुगल रूल था उसमें जो राजा था वो जितना भी सरप्लस होता था लाइक किसी कोई किसान है उसके खेत में नॉर्मली टेन दस बोरी वीट होता है दस बोरी आपका चावल होता है कुछ भी होता है पर अगर सरप्लस हो गया किसी साल वो पंद्रह बोरी हुआ या बीस बोरी बोरी हुआ अच्छी फसल हुई तो वो जो सरप्लस था वो राजा रख लेता था तो किसान के पास कुछ नहीं बचता था तो इससे इस क्या हुआ कि एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हुई जो मतलब राजा को सरप्लस देती थी और खुद के पास उसका कुछ नहीं था मतलब सरप्लस को अप्रोप्रिएट अपने पास नहीं कर सकती थी तो ये आइडिया किसने डेवलप किया आप लोगों को बताना है सबसे पहले कार्ल मार्क्स बी मोन्टेस्क्यू सी वोल्टेयर या डी रूसो तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स मोन्टेस्क्यू नहीं है मोन्टेस्क्यू ने आपका ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का आइडिया दिया था कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने उस ओरिएंटल डेस्पोटिज्म को फर्दर डेवलप करके आपका एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का आइडिया दिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट हुज आइडियाज वर ऑपरेटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इन महाराष्ट्र इन एटीन ट्वेंटीज तो वो कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिनके आइडियाज ब्रिटिश ऑफिशियल्स फॉलो करते थे मतलब उस इकोनॉमिस्ट को बहुत ज्यादा मानते थे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हमारी कंट्री में पोस्टेड थे एटीन ट्वेंटीज में तो आपके ऑप्शन है ए डेविड रिकार्डो बी थेम्स रॉबर्ट सी जॉन स्टुअर्ट मिल या डी वॉल्टर बैकहॉट उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है डेविड रिकार्डो तो ये पेज टू सेवेंटी सेवन में आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन 24 पे आते हैं द द यूरोपियन कंपनीज हैड बेस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया फाइंड आउट करेक्ट पेयर फ्रॉम फॉलोइंग तो हम ये सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में अकेले ब्रिटिशर्स ही नहीं आए थे उससे पहले पोर्टुगीज ने भी अपना बेस सेट किया था डच ने भी इवन फ्रेंच ने भी तो आप लोगों को तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं तीन स्टेटमेंट्स कह लीजिए जहां पर आपको बताया गया है कि जो यूरोपियन पावर्स थी हमारी कंट्री में आई कौन से साल में और कहां पर उन्होंने अपना बेस सेटअप किया लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट है द पोर्टुगीज इन पानजी इन टेन जो कि मेरे हिसाब से सही है सेकंड डच हमारी कंट्री में आए 1605 में ये स्टेटमेंट आप लोगों से कह रहा है मसूली पटनम में इन्होंने बेस सेटअप किया थर्ड स्टेटमेंट आप लोगों से कहता है कि फ्रेंच पुडुचेरी जिसे पौंडीचेरी कहा जाता था पहले वहां सिक्सटीन में आए और अपना बेस सेटअप किया तो ऑप्शंस आपके पास हैं क्या फर्स्ट है केवल या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन है या फिर सेकंड और थर्ड ही हैं तो पेज थ्री नाइनटीन खोल लीजिए अपनी बुक में आंसर अगर आप लोगों को नहीं पता और प्लीज मैं अगेन कहूंगा कि प्लीज जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज उनमें अपनी बुक एक बार खोल लीजिए जहां पर पेज लिखा है मेरे आंसर बताने से पहले आप वहां पर पहुंच जाइए इससे क्या होगा आप लोगों का ही बेनिफिट है आप लोगों को रिवाइज होगा देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो जितने भी आप लोगों को तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये तीनों यहां पर करेक्ट हैं है पोर्टुगीजी में 1510 में ही आए थे डच 1605 में ही आए थे जीरो फाइव में और फ्रेंच सबसे लास्ट 1673 में आए थे पुडुचेरी में क्वेश्चन 25 है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स हैड डन द टाउन प्लानिंग ऑफ कैलकटा इन टेन्योर तो आपको बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अपने शासन काल जब वो रूलिंग में थे जब वो गवर्नर जनरल थे तब उन्होंने कैलकटा की प्लानिंग की थी योर ऑप्शन आर ए लॉर्ड वेलेसली लॉर्ड हेस्टिंग सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन लॉर्ड तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेलेस्टली जब गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने कैलकटा की टाउन प्लानिंग की थी अपने समय में अपने शासन काल में तो इस वीडियो के साथ हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किए लास्ट ईयर सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री में पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई द पिक्चर ये सब चीजों को अगर आप लोगों को हमारे चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अगर आप बांटोगे ज्ञान को तो वो बढ़ेगा और आपके हंड्रेड मार्क्स आएंगे दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो थैंक यू